की दुर्गा चौक पर आपको बता दें यहाँ पर जो कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता समाज सेवी उनकी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता के द्वारा यहाँ पर आज पूजा अर्चना में भाग लिया गया, महाआरती भाग लिया गया। साथ ही आपको बता दें जो रुड़की में बेटी का जन्म मेला चल रही है उसके जो महामंत्री है सौरभ सिंगल वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अन्य यहाँ पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देखते हैं जो पूजा गुप्ता है उनके परिवार सहित यहाँ पर माता की आरती में भाग लिया गया है और आज यहाँ पर उनके द्वारा जो व्रत में प्रसाद वितरित किया जाता है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। के लिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी रुड़की वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रों की, और ये कहूँगी कि नवरात्रों को हर साल धूमधाम से मनाइए और खूब खुशी से मनाइए। ऐसे लगना चाहिए कि हम त्यौहार मना रहे हैं। और आज आरती का मुझे आने का इसमें भाग लेने का मौका मिला, मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज काल रात्रि का माँ का दिन है और कल अष्टमी है जिसमें देवी पूजन होता है, तो सब देवी माता का पूजन करें, कन्याओं को पूजें छोटी छोटी, और उनको अपनी इच्छा अनुसार चुनरी दीजिए, उन्हें चूड़ियाँ दीजिए, जो भी माँ को पसंद हो वो उन्हें अर्पण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कहते हैं माँ खुश तो बच्चे अपने आप खुश रहते हैं, और माँ का आशीर्वाद से तो कोई भी बच्चा झोली भर के ही लेके जाता है, खाली नहीं जाता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं घर पे तो अपनी माँ को केयर नहीं करते हैं और मंदिरों में आके माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी, जैसे आप देवी माँ को पूजते हैं उससे पहले अपनी जन्म देने वाली माँ को पूजिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ सब माँ से ऊपर होती है, वो देवी माँ के ही बराबर है, तो उनका सम्मान जरूर कीजिए। मैंने तो सिर्फ यही मांगा है कि माता रानी सारे रुड़की वासियों को स्वस्थ रखिए और हर बीमारी से बचाइए, सबको खुशियाँ दीजिए, जिस माँ की झोली खाली है उसकी झोली भर दीजिए। देखिए पहले तो मैं कहूँगी आरक्षण मत कीजिए प्लीज, इसे हमारा अधिकार कहिए, ये अधिकार है हम औरतों का कि हमें ये मिलना चाहिए था। जो आप कह रहे हैं उसे देखते हैं, हो सकता है कि मैं इसमें प्रतिभाग करूं। आज कद्दू के हलवे का आयोजन किया गया है क्योंकि इसे व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे ही प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, तो एक छोटा सा कोशिश है, एक माँ का छोटा सा भोग का वो है, तो सभी लिखिए, आप लोग भी प्लीज लेके जाइएगा। कह सकते हैं, देखिए अगर आप लोग कह रहे हैं तो समय बताएगा, बाकी तो को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ जैसे हम लोग दीपावली वगैरह का त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से हम उसी उत्साह के साथ नवरात्रि भी अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। और देखिए ये कहा जाता है कि ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं शारदीय, ये इनकी पूजा में नवरात्रों में माता रानी की नवरात्र पूजा इन दिनों बहुत विशेष फलदायी होती है। ठीक है, तो इसमें कलश स्थापना की जाती है, जौ बोए जाते हैं जो कि दशहरे के दिन पे हम उनकी पूजा करते हैं, तो ये 9 के 9 दिन हम माता रानी को समर्पित करते हैं। बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। सबसे पहली बात तो आज मेरा व्रत है, सप्तमी है, कल अष्टमी हमारे यहाँ पूजी जाती है। मुझे वकील साहब ने बुलाया, अशोक जी ने बुलाया, सोनी भाई ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ नवनीत जी आए, हालांकि हमारा इस समय कार्यक्रम बड़ा व्यस्त है। निशंक जी हमारे बीच में आज रामलीला में पहुंचेंगे, उनका भी अभी मेरे पास प्रोग्राम आया है, और संघ के सब वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो भी आज हमारे बीच में रहेंगे। लेकिन इस सब बीच में वकील साहब ने 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, मेरी कुछ मजबूरियां फंस रही थी, मैं नहीं आ पा रहा था। आज मुझे आकर के बहुत धन्य महसूस हुआ कि मैंने आज अपनी सप्तमी में, मैं सुबह से लेकर रात तक क्या नाम है यहाँ बिटिगंज के क्षेत्र पर ही बैठा रहता हूँ, आज यहाँ पर आरती की और मैंने पुण्य लाभ कमाया सभी माताओं बहनों के बीच में, और सभी आयोजक मंडल को कमेटी को बहुत बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि रुड़की नगर के शहर में सबसे बड़ा ये मंदिर और जो आयोजन करता है ऐसा और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर नजारा। गौरव भाई, आपकी लगातार धार्मिक कार्यक्रमों सामाजिक कार्यक्रमों में उनमें बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले टाइम पे आप ही कहीं टिकट मांग रहे हो किसी चुनाव का? दीपक भाई, ये फिलहाल आरती का समय है, माता का समय है, रामलीलाओं का समय है, सामाजिक कार्यों का समय है फिलहाल। जो मैंने कहा मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे और देश खुशहाल रहे, और आयोजक मंडल को बहुत अच्छी शुभकामनाएं। यह हर वर्ष जैसे हम रामलीला बहुत अच्छी करते हैं हर वर्ष, तो ये भी अपना जो कार्यक्रम है उसको हर वर्ष और अच्छा करें, होना चाहिए, रुड़की का विकास हो, मैं तो चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, आप नहीं चाहते रुड़की का विकास हो, सब चाहते हैं रुड़की का विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं, बीच में रुक जाता है कई बार, अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी व्यवस्था भी डगमगाई थी, तो
पटरी पे धीरे धीरे आने में समय लगता है और जो अच्छी सोच के साथ यहाँ पर आएगा विकास और अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो कहते लगातार विकास हो रहा है, आप कह रहे बीच में रुक जाता है। नहीं, जो बीच में हमारे नगर निगम के अंदर दिक्कतें आई थी बहुत सारी, आपने देखा होगा मेयर साहब उसमें से अपना इस्तीफा दे दिया था, और भी बहुत सारी बीच में दिक्कतें रही थी। अच्छा, मेयर साहब के इस्तीफा देने से विकास कार्य रुक गया या नहीं? विकास कार्य नहीं, जो कोई सीट से हटता है दूसरा सीट पे आता है तो उसमें दिक्कतें तो आती हैं। सारा 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 माहौल चेंज होता है। सीडीओ मानते मेयर साहब के हटने से विकास कार्य रुके हैं शहर के? देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ, उनको भी महसूस होता है कि क्या नाम है, किसी तरीके से हमारे ऊपर नए अधिकारी आएंगे तो वो किस तरीके से हमारे ऊपर अपना रुख रखेंगे।